सीबीएम के खिलाफ रिकॉर्ड तोड़फोड़ देने का काम करेंगे और हमें अकबरपुर लोकसभा से जिताने का काम। राजाराम पाली, आप भी एक पाल समाज का बड़ा चेहरा है उत्तर प्रदेश के अंदर, अखिलेश यादव आपको पाल समाज का चेहरा मानकर चलते हैं, कितने टिकट दिलाने की उम्मीद करते हैं आप? नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूं राजा भैया पाल। मैं इस समय उत्तर प्रदेश में हूं, जहां पर हमारे बीच में कानपुर की एक ऐसी शख्सियत जो किसी पर्चा के मोहताज नहीं है। आज रहा हूं पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजा राम पाल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत है हमारे चैनल सर आपका। जी धन्यवाद। राजा राम पाल जी, अकबरपुर लोकसभा से आप दावेदारी कर रहे हैं इस बार? दावेदारी नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो जब से 1996 से चुनाव लड़ना शुरू किया है, ये नवा पार्लियामेंट है, हम न थके हैं न रुके हैं और ना कभी कोई पार्ट टाइम शार्ट टाइम की राजनीति नहीं करते, हम तो होल टाइम होल लाइफ होल हार्ट काम करने का काम करते हैं। ईवीएम पर भरोसा है आप? निश्चित तौर पे ईवीएम पर भरोसा तो नहीं है, लेकिन सवाल इस बात का है कैबिनेट के बिना लाए ईवीएम खत्म नहीं हो सकता। जब तक आम आदमी पार्टिसिपेशन नहीं करेगी तब तक ईवीएम खत्म नहीं हो सकता है। जैसा कि आप देखते हैं जंतर मंतर में आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट के वकील लंबे समय से धरना प्रदर्शन करने का काम करते हैं, लेकिन आज की तारीख में कोई भी भारत की संवैधानिक संस्था इंडिपेंडेंट नहीं रही, उसमें चुनाव आयोग भी है। तो जब तक चुनाव आयोग को विवश नहीं किया जाएगा, चुनाव आयोग का घेराव करके जब तक वो ईवीएम पर फैसला लेने के लिए मजबूर न हो, तब तक अगर आम जनता जंतर मंतर की ओर मूव करने का काम करे, पूरे ऑल इंडिया जो विपक्ष गठबंधन है वो सारे मूव करने का काम करें और दिल्ली को अस्त व्यस्त करने का काम करें, ताकि सुप्रीम कोर्ट भी इनिशिएटिव ले, लैंड ऑर्डर की समस्या पैदा हो और चुनाव आयुक्त को तब तक कार्यालय से न उतरने दिया जाए जब तक वो ईवीएम के मामले में फैसला लेने के लिए मजबूर न हो जाए। तो अब समय बहुत कम बचा हुआ है लोकसभा चुनाव के लिए, ऐसे में अब ईवीएम पर कंट्रोल हो पाना मुश्किल होगा, तो 2024 में मोदी की वापसी हो सकती है आपको लग रहा है? देखिए, इंडिया गठबंधन अगर पूरी तरह से बनता है, जैसा कि पूरी संभावना है, तो निश्चित तौर पर एनडीए को हराने के लिए इंडिया गठबंधन काफ़ी है। ईवीएम पे इतने लोग वोट डालने का काम करेंगे इस बार कि वो जो भी हैक करने का काम कर रहे होंगे वो हैकिंग भी फेल हो जाए। तो अकबरपुर लोकसभा से आप दावेदारी कर रहे हैं, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार, क्या कुछ करने वाले हैं आप? जो कांग्रेस के टाइम में UPA 1 UPA 2 में जो किसानों का कर्जा माफ हुआ था, जो आम नागरिकों को बिजली में सब्सिडी दी गई थी, जो बड़े बड़े हाईवे और सबसे बड़ा हमारा अकबरपुर पार्लियामेंट में जो मुद्दा है, हम लोगों ने बिजली की खपत को देखते हुए उत्तर प्रदेश में पहला पावर प्लांट है जो हमारी पार्लियामेंट क्षेत्र में हमने लाने का, न्यू वैली लिग्नाइट जो 4000 मेगावाट बिजली पैदा करने का काम करता, उसको 10 साल में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार चालू नहीं करा पाई है, तो वो सबसे बड़ा मुद्दा है। और कानपुर से लेके सागर हाईवे मार्ग है वो हमने बनवाने का काम किया था, हमने बिठूर जो ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल है उसको ब्रॉडगेज कराने का काम किया था, हमने चित्रकूट एक्सप्रेस है उसको प्रत्येक स्टेशन रुकवाने का काम किया था। जो हमने काम किए थे उनका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने न तो आम आदमी से संपर्क करने का काम किया, न आम आदमी से उसका कोई संबंध है, वो केवल मोदी की गारंटी पर जीतना चाहता है, इसलिए अकबरपुर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और हमारे सपा के PDA की तरफ पूरी तरह से SC OBC माइनॉरिटी के लोग मुखातिब हो रहे हैं। और हमने जो 20-25 साल में भरोसा पैदा किया है, उस भरोसे के दम पर हम लोग समाजवादी पार्टी को इस बार लोकसभा में जिता करके आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने का काम कर सकें। बिल्कुल, राजा राम पाल जी इतने वोट आपको मिलेंगे कि राजा राम पाल जी इस बार लोकसभा चुनाव जीत जाएंगे? ईवीएम को लग रहा है कि ईवीएम पर कुछ संकट है? हमें लगता है कि ये पहला मौका होगा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव ने PDA का नारा दिया है, पिछड़े दलित अखिलियत के लोग जो 85% है, जब हमने राजनीति शुरू की थी तब भी 15-85 का नारा था, वो आज इस बार बहन जी मौन है,
बहन जी इन 10 सालों में बाहर निकलने का काम नहीं किया, बहन जी पे लोगों का भरोसा टूटा है, दलितों को संविधान बदलने का खतरा, लोकतंत्र समाप्त होने का खतरा है, इसलिए दलित पिछड़े अकलियत के लोग एकजुट होकर के इस EBM के खिलाफ को रिकॉर्ड तोड़ वोट देने का काम करेंगे और हमें अकबरपुर लोकसभा से जिताने का काम करेंगे। राजा रामपाल जी, आप भी एक पाल समाज का बड़ा चेहरा है उत्तर प्रदेश के अंदर, अखिलेश यादव आपको पाल समाज का चेहरा मानकर चलते हैं, कितने टिकट दिलाने की उम्मीद करते हैं आप लोकसभा में? जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरा मानना है लोकसभा में इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन में अभी तय होना बाकी है कि कौन दल कितनी सीटें लड़ने का काम करेगा। जहाँ तक मेरा सवाल है तो मैं तो अकबरपुर से ऑलरेडी घोषित प्रत्याशी हूँ, मैं तो लड़ूंगा ही, और लोग हमें लगता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक आध लोग जो दावेदार होंगे, हो सकता है वहाँ से भी एक आध टिकट। आपको लग रहा है चेहरा कौन होगा इस बार मोदी के सामने आपके इंडिया गठबंधन में? ऐसा है, जब मोदी जी आए थे तब मोदी जी चेहरा नहीं थे, आज जितने भी उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए हैं उनमें मोदी जी जो मुख्यमंत्री बनाए हैं उनमें कोई चेहरा नहीं था। हमें लगता है इंडिया गठबंधन में मोदी जी को हराने के लिए सब लोग पहले एकजुट होंगे और इसका फैसला कौन चेहरा होगा उसके लिए संयोजक का तो नियुक्ति हो ही गई है, तुम्हारे मल्लिकार्जुन खड़गे को रखा है, और उत्तर प्रदेश में अगर मेन कोई चेहरा होगा तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव होंगे। बिल्कुल, अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता आपको देख रही है, आखिरी सवाल करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अकबरपुर की लोकसभा की जनता को एक ही बात कहना चाहते हैं कि हम लोग 1996 से अब तक मेरा 8वां-9वां पार्लियामेंट चुनाव है, हम सातों दिन और रातों दिन आपके बीच रहते हैं, हम आपके सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हैं, हमने क्षेत्र के विकास के लिए जितना काम करने का काम किया है उसके मुकाबले पर कहीं भी 10 साल से जो MP है उसका एक भी काम कहीं आम पब्लिक के सामने नहीं है। पब्लिक को पूरा भरोसा है कि पाल साहब ही हमें न्याय देने का काम करेंगे, हमें पूरा विश्वास है कि इस बार इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजा रामपाल हम होंगे और निश्चित तौर पर 2024 के चुनाव में हम सांसद बन के आएंगे। तो इस समय आपकी जन अदालत न्यूज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कानपुर में इस समय हमारी मुलाकात है पूर्व सांसद राजा रामपाल जी से हुई है और तमाम मुद्दों को लेकर हमने चर्चा की है, फिर भी आपके कोई सवाल है तो हमें लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए संकेत। धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी बघेल बिल्डिंग मटेरियल एंड सप्लायर, पता बुद्धपुरा भिंड भांडर रोड लाहौर जिला भिंड मध्य प्रदेश, यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट के सभी ब्रांड उपलब्ध हैं, इसके साथ ही सीमेंट गिट्टी सरिया रेन पाइप एवं बिल्डिंग मटेरियल के थोक विक्रेता है। आज ही संपर्क करें डीलर पूर्व सरपंच जगमोहन सिंह बघेल चाना। जगमोहन सिंह बघेल पूर्व सरपंच पृथ्वीपुरा, बघेल बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हमारा काम है, अल्ट्राटेक सीमेंट का डीलर हूँ, GKTMT सरिया का डीलर हूँ, हमारे यहाँ बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित सभी सामान उपलब्ध है। हमारा दुकान का एड्रेस है बुद्धपुरा NH 552 भिंड भांडेर रोड लाहौर जिला भिंड मध्य प्रदेश।